पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद के मूडा पांडे थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह और सीओ हाईवे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चोरी की 4 ई रिक्शा, 4 अवैध नाजायज चाकू सहित उन्हें गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर अभियुक्तों ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी के ई रिक्शा दिल्ली से चोरी करके लाते थे और कुछ दिन तक इधर उधर जंगल में छुपाकर इनकी नंबर प्लेट हटाकर चेचिस नंबर को खुर्द-बुर्द कर देते थे, जिससे पढ़ने में ना आए। उसके बाद इन चोरी की ई रिक्शा को आसपास के क्षेत्र में सस्ते दामों पर बेचते थे। वर्तमान में वांछित अपराधियों और वाहनों के संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत थाना मूड़ा पांडे पे जो चेकिंग की गई है, उसमें ये 4 अपराधी पकड़े गए हैं जो कि ई रिक्शा चोरी से संबंधित है। ये चारों ई रिक्शा इन लोगों ने चोरी कराए हैं, किए हैं और उनका प्रयोग कर रहे थे। इस संबंध में रिक्शे मिले हैं, इसके संबंध में थाना मूड़ा पांडे पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। सर, ये रिक्शे कहाँ चोरी करते हैं और कहाँ पर बेचते हैं? ये चारों रिक्शे दिल्ली से चोरी किए गए हैं। इनके अपराध संख्या मेरे पास है। दिल्ली में एक 30 मार्च को चोरी हुआ इसी वर्ष, एक 10 फरवरी को हुआ है, एक 8 मई को चोरी हुआ है, एक 9 नवंबर 2022 को चोरी हुआ है। चारों रिक्शे दिल्ली से चोरी किए गए विभिन्न, और ये इलाके हमारे थाना मूड़ा पांडे में इनका प्रयोग कर रहे थे और आवश्यकता पड़ने पे इन्हें बाद में दूसरों को बेच लेते थे। माना जाए पुराने अपराधी। हाँ, आपराधिक तत्व भी हुआ है इन रिक्शों से। इसकी चीज़ की अभी हम लोग जानकारी करा रहे हैं कि इन आपराधिक जो आपराधिक करके इन्होंने रिक्शे बरामद किए हैं और अन्य क्या अपराध कारित किए। सर, ये जो खुलासा हुआ है इसकी केस की लीड कौन कर रहा है? ये हमारे प्रभारी निरीक्षक थाना मूड़ा पांडे रविंद्र प्रताप सिंह, ये इनके नेतृत्व में सारे कार्य संपादित हुए हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।